हेलो चिल्ड्रेन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू गुरुकुल इंग्लिश मीडियम स्कूल। होप यू ऑल आर हैप्पी एंड डूइंग योर स्टडी प्रॉपरली एट होम। तो स्वागत है आज के हिंदी पीरियड में। बच्चों, इसके पहले पीरियड में हमने बिल्ली, ऊंट, कुत्ता ऐसे कुछ पालतू जानवरों के बारे में पढ़ा था। तो आज हम पढ़ेंगे पाठ 23, जंगली जानवर, वाइल्ड एनिमल्स। बताइए जंगली जानवर यानी कि क्या? जो जानवर जंगल में रहते हैं उन्हें जंगली जानवर कहते हैं। यस, वेरी गुड। तो आइए हम देखें पाठ में कौन से जंगली जानवर दिए गए हैं। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर चित्र दिया है सिंह का, इसे इंग्लिश में लायन कहते हैं। बच्चों, सिंह यह भूरे रंग का होता है, यह बहुत ही ताकतवर होता है, इसे जंगल का राजा कहते हैं। और सिंह गाय, भैंस, हिरण जैसे जानवरों का शिकार करता है। तो देखिए यहाँ पर वाक्य लिखा है, सिंह जंगल का राजा है। अगला चित्र है, देखिए किसका? हाथी का। हाथी को इंग्लिश में एलिफेंट कहते हैं। हाथी जंगल में समूह में यानी कि ग्रुप में रहते हैं। हाथी फल खाते हैं। आकार में यह बड़ा जानवर है। यहाँ पर देखिए हाथी बहुत बड़ा जानवर है लिखा है। अगला चित्र है, देखिए बाघ का, इसे इंग्लिश में टाइगर कहते हैं। यह नारंगी और भूरे रंग का होता है, इसके शरीर पर काली पट्टियाँ बनी होती हैं और यह छोटे और बड़े जानवरों का शिकार भी करता है। मनुष्य के शिकार करने और जंगलों की कटाई के कारण ये जानवर कम होते जा रहे हैं, इसलिए बच्चों हमें जानवरों को नुकसान नहीं पहुंचाना है। यहाँ पर वाक्य लिखा है, बाघ एक भयंकर जानवर है। तो बच्चों, बाघ यह बहुत ही खतरनाक जानवर है। अगर इंसान उसे सामने दिखाई देगा तो वह इंसान को भी मार सकता है। अगला चित्र है, देखिए चीता का, इसे इंग्लिश में लेपर्ड कहते हैं। तो बच्चों यह भी खतरनाक जानवर है। बच्चों, चीते के शरीर पर काले गोल निशान बने होते हैं, इसे चित्तियां कहते हैं। यह भी हिरण, गाय, भैंस जैसे जानवरों का शिकार करता है और यह सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर है। वाक्य को देखेंगे, लिखा है, चीते के शरीर पर चित्तियां होती हैं। अगला है भालू, इसे बियर कहते हैं। तो बच्चों यह काले रंग का होता है, इसके शरीर पर काले घने बाल होते हैं। ठंडे प्रदेश में रहने वाले भालू सफ़ेद और भूरे रंग के भी होते हैं। यह छोटे जानवरों को खाते हैं। भालू के शरीर पर घने बाल होते हैं जिससे उसके शरीर की रक्षा होती है गर्मी, ठंडी और बरसात से। यहाँ पर देखिए वाक्य लिखा है, भालू के शरीर पर काले और घने बाल होते हैं। अगला चित्र है बंदर का यानी मंकी। बंदर भी भूरे रंग का होता है और यह एक डाल से दूसरे डाल पर झूलते हैं। बंदर ये फल भी खाता है, ये पत्ते, बीज और छोटे कीड़े मकोड़े भी खाता है। कुछ लोग बंदर को पालते भी हैं अपने फायदे के लिए। देखिए यहाँ पर जैसे कि मदारी बंदर का खेल दिखाता है। देखिए यहाँ पर वाक्य लिखा है, बंदर डाल पर झूलता है। अगला चित्र है हिरण का, इसे इंग्लिश में डियर कहते हैं। कुछ हिरण नारंगी
रंग के होते हैं, उनके शरीर पर सफ़ेद निशान होते हैं। तो कुछ भूरे रंग के होते हैं, उनके सींग भी बड़े और लंबे होते हैं। हिरन चौकड़ी भरता है, यानी कि ये बहुत तेज छलांग मार के दौड़ता है। मनुष्य हिरन का शिकार करते हैं, जिसकी वजह से उनकी संख्या भी कम होती जा रही है। यहाँ पर देखिए लिखा है, हिरन चौकड़ी भरता है। अगला चित्र है लोमड़ी यानी कि फॉक्स। यह भूरे और नारंगी रंग की होती है। इसके कान त्रिकोण की तरह यानी कि ट्रायंगल शेप होते हैं और इसकी पूंछ भी लंबी और घनी होती है। लोमड़ी छोटे जानवरों का शिकार करती है और यह बहुत चालाक होती है, जैसा कि हमने कहानियों में देखा है। जैसे कि इस कहानी में वो कौवे को कैसे बेवकूफ़ बनाकर उसका खाना लेकर चली जाती है, तो लोमड़ी बहुत ही चालाक होती है। यहाँ पर देखिए लिखा है, लोमड़ी बहुत चालाक होती है। तो बच्चों, इस तरह से हमने इन जंगली जानवरों के बारे में पढ़ा। अब देखिए यहाँ पर दिया है, नीचे दिए हुए शब्दों में से सही शब्द चुनकर खाली जगह भरो। पहला है डैश बहुत बड़ा जानवर है, बताइए क्या आएगा, हाथी। दूसरा है चीते के शरीर पर डैश होती हैं, तो यहाँ पर आएगा चित्तियाँ। तीसरा है डैश डाल पर झूलता है, कौन झूलता है, बंदर। चौथा है हिरन डैश भरता है, तो यहाँ पर आएगा चौकड़ी। पांचवा है डैश बहुत चालाक होती है, उत्तर आएगा लोमड़ी। छठवां है डैश एक भयंकर जानवर है, यहाँ पर आएगा बाघ। सातवां है डैश के शरीर पर काले और घने बाल होते हैं, तो क्या आएगा, भालू। तो बच्चों, इस तरह से आपको वर्कबुक पूरी करनी है और यह खाली जगह भरो अपनी नोटबुक में एक बार, अच्छी राइटिंग में आपको लिखना है। थैंक यू बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले हिंदी पीरियड में। हेलो चिल्ड्रेन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू गुरुकुल इंग्लिश मीडियम स्कूल। होप यू ऑल आर डूइंग योर स्टडी एट होम प्रॉपरली। तो स्वागत है आज के हिंदी पीरियड में। बच्चों, हमें बात करने के लिए भाषा की ज़रूरत होती है। हम इंसान एक दूसरे से बातें कर सकते हैं अलग अलग भाषाओं में, जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, मराठी और भी दूसरी भाषाएं हैं। उसी तरह से जानवर भी आपस में बात करते हैं, उनकी भी अलग अलग बोली होती है। तो बच्चों, आइए हम पढ़ें पाठ 24, प्राणियों की बोलियाँ, साउंड्स ऑफ एनिमल्स। इस पाठ में हम अलग अलग जानवरों की बोली के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले यहाँ पर है गाय। तो गाय कैसे बोलती है, मू। वेरी गुड। तो बच्चों, गाय रंभाती है, रंभाना को इंग्लिश में मू कहते हैं। अगला चित्र है सिंह का। तो आप जानते हैं सिंह कैसे बोलता है। तो बच्चों, सिंह दहाड़ता है, दहाड़ना को इंग्लिश में रोर कहते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है, सिंह दहाड़ता है। अगला है कुत्ता। क्या आप जानते हैं यह कैसे बोलता है। यस, तो बच्चों कुत्ता यह भौंकता है। यहाँ पर देखिए लिखा है, कुत्ता भौंकता है, भौंकना को इंग्लिश में बार्क कहते हैं। अगला है घोड़े का चित्र। क्या आप जानते हैं घोड़ा कैसे बोलता है। यस, वेरी गुड। तो बच्चों, घोड़ा हिनहिनाता है, हिनहिनाना को इंग्लिश में नी कहते हैं।
अब है बिल्ली का चित्र। आप जानते हैं बिल्ली कैसे बोलती है? म्याऊ म्याऊ। वेरी गुड। तो बिल्ली म्याऊ म्याऊ करके बोलती है। तो बच्चों बिल्ली म्याऊ म्याऊ करती है, देखिए यहाँ पर लिखा है। म्याऊ म्याऊ को इंग्लिश में म्याऊ ही कहते हैं। अगला चित्र है हाथी का। तो बच्चों हाथी चिंघाड़ता है। चिंघाड़ना को इंग्लिश में ट्रम्पेट कहते हैं। अगला चित्र है बकरी का। आप जानते हैं बकरी कैसे बोलती है? मैं। वेरी गुड। तो बच्चों बकरी मिमियाती है। बच्चों मिमियाना को इंग्लिश में ब्लीट कहते हैं। अगला चित्र है गधे का। तो बच्चों गधा रेकता है। रेकना को इंग्लिश में ब्रेक कहते हैं। इसके बाद है मेंढक का चित्र। मेंढक टर टर की आवाज़ करता है। तो यहाँ पर लिखा है मेंढक टर्राता है। मेंढक की बोली को इंग्लिश में क्रोक कहते हैं। अगला चित्र है कबूतर का। तो बच्चों कबूतर यह गुटर गूं करता है। तो बच्चों कबूतर की बोली को इंग्लिश में कू कहते हैं। अगला चित्र है भौरे का। इसे इंग्लिश में ब्लैक बी कहते हैं। आप जानते हैं यह कैसे बोलता है? वेरी गुड। तो बच्चों भौरा गुनगुनाता है। गुनगुनाना को इंग्लिश में हम और बज कहते हैं। अगला चित्र है कौवे का। आप जानते हैं ये कैसे बोलता है? काव काव काव। वेरी गुड। तो बच्चों कौवा काव काव करता है। काव काव को इंग्लिश में कौ ही कहते हैं। तो बच्चों इस तरह से हमने प्राणियों की बोलियों के बारे में पढ़ा। नीचे देखिए यहाँ पर लिखा है खाली जगह में प्राणियों की बोलियाँ लिखो। पहला है यहाँ पर कुत्ता डैश है तो हम लिखेंगे भौंकता। दूसरा है सिंह डैश है तो हम लिखेंगे दहाड़ता। तीसरा है गाय डैश है तो हम लिखेंगे रंभाती। चौथा है हाथी डैश है तो यहाँ पर आएगा चिंघाड़ता। पांचवा है भौरा डैश है तो हम लिखेंगे गुनगुनाता। छठवा है बिल्ली डैश करती है तो हम लिखेंगे म्याओ म्याओ। तीसरा है उचित जोड़े मिलाकर वाक्य फिर से लिखो। तो यहाँ पर आपको प्राणियों के नाम दिए हैं, उनकी बोली से आपको मिलाकर उत्तर के कॉलम में अच्छी राइटिंग में आपको लिखना है। तो बच्चों आपको इस तरह से वर्कबुक पूरी करनी है और प्रश्न 2 और 3 अपनी नोटबुक में अच्छी राइटिंग में लिखना है। थैंक यू बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगले हिंदी पीरियड में। हेलो चिल्ड्रेन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू गुरुकुल इंग्लिश मीडियम स्कूल। होप यू ऑल आर हैप्पी एंड डूइंग योर स्टडी प्रॉपरली एट होम। तो स्वागत है आज के हिंदी पीरियड में। इस चित्र में देखिए यहाँ पर गार्डन में यानी कि बगीचे में बच्चे खेल रहे हैं। यहाँ पर हरी घास है। बच्चों यहाँ पर घास का रंग कौन सा है? हरा। वेरी गुड। और आसमान का? नीला। और सूरज का? पीला। वेरी गुड। और अनार का रंग कौन सा है? लाल। और इस चित्र में देखिए गाय का रंग कौन सा है? काला सफ़ेद। वेरी गुड। तो बच्चों हमने जो जो चित्र देखे उनमें अलग अलग रंग दिए हैं।
तो जो भी चीज़ें हम देखते हैं उनके कोई ना कोई रंग होते हैं अलग अलग, यानी कि कलर होते हैं। तो आइए हम पढ़ें पाठ 25, रंग यानी कि कलर्स। तो सबसे पहले यहाँ पर दिया है रंग भरो, यहाँ पर गोल दिए हैं और नीचे रंग के नाम लिखे हैं। तो सबसे पहले है लाल, रेड, आगे है पीला, येलो, उसके बाद है नीला, ब्लू, उसके बाद है नारंगी, ऑरेंज, और नीचे देखिए लिखा है हरा, ग्रीन, आगे है काला, ब्लैक, और उसके बाद है सफ़ेद, वाइट, अंत में है भूरा, ब्राउन। नीचे देखिए अलग अलग चित्र दिए हैं और उनके रंग के बारे में लिखा हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पर चित्र है कौवे का, तो कौवे का रंग कौन सा होता है? काला। हाँ बच्चों, कौवा काला होता है। तो देखिए कौवे के बगल में लिखा है काला कौवा। अगला चित्र है तोते का, तो बताइए तोते का रंग कौन सा है? हरा। वेरी गुड। तो देखिए यहाँ पर नीचे लिखा है हरा तोता। अगला चित्र है बगुले का, तो देखिए बगुला कौन से रंग का होता है? सफ़ेद। वेरी गुड बच्चों, बगुला यह सफ़ेद होता है यानी कि वाइट। तो देखिए यहाँ पर लिखा है सफ़ेद बगुला। अगला चित्र है इंद्रधनुष का यानी कि रेनबो का। बच्चों इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। सबसे पहले यहाँ पर रंग है बैंगनी, उसके बाद है गाढ़ा नीला, उसके बाद नीला, हरा, पीला, नारंगी और अंत में है लाल। बच्चों इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं यानी कि 7 कलर्स होते हैं, इसलिए इसे सतरंगा इंद्रधनुष भी कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए इंद्रधनुष के बगल में लिखा है सतरंगा इंद्रधनुष। अगला चित्र है पहाड़ का, तो देखिए यहाँ पर पहाड़ का रंग है भूरा यानी कि ब्राउन। तो बच्चों पहाड़ का रंग होता है भूरा। तो देखिए यहाँ पर लिखा है भूरा पहाड़। अब है देखिए चित्र सूरजमुखी का, तो सूरजमुखी का रंग कौन सा है? पीला। वेरी गुड। तो बच्चों सूरजमुखी पीले रंग का होता है, तो देखिए यहाँ पर लिखा है पीला सूरजमुखी। अगला चित्र है आसमान का यानी कि स्काई का, तो बच्चों बताइए आसमान का रंग कौन सा है? नीला यानी कि ब्लू। तो देखिए यहाँ पर लिखा है नीला आकाश। अगला चित्र है टमाटर का, तो बताइए टमाटर का रंग कौन सा है? लाल। वेरी गुड। तो बच्चों टमाटर यह लाल रंग का होता है, तो देखिए यहाँ पर लिखा है लाल टमाटर। तो बच्चों आपको जो चित्रों के रंग के बारे में हमने पढ़ा, उस लाइन को देखकर जो नीचे लाइन दी गई है उसी तरह से आपको भी लिखना है। अब हमें यहाँ पर सही शब्द चुनकर खाली जगह भरना है। तो यहाँ पर हमें सही उत्तर चुनकर खाली जगह भरना है। तो पहला दिया है आकाश का रंग डैश है, तो यहाँ पर है सफ़ेद, काला, नीला, तो क्या आएगा? नीला। वेरी गुड। दूसरा है बगुला डैश होता है, यहाँ पर दिया है हरा, सफ़ेद, गुलाबी, तो क्या आएगा? सफ़ेद। वेरी गुड। तीसरा है डैश टमाटर खाने में मज़ेदार लगते हैं, यहाँ पर है लाल, हरे, पीले, तो यहाँ पर हम लिखेंगे लाल। अगला है कौवा डैश होता है, यहाँ पर दिया है सफ़ेद, हरा, काला, तो क्या आएगा? काला। वेरी गुड। तो बच्चों आपको भी इसी तरह से अपनी वर्कबुक में यह पूरा करना है और जो रंग भरने के लिए वहाँ पर दिया है उसे भी आपको पूरा करना है। और प्रश्न 3,
यह अपनी नोटबुक में एक बार आपको अच्छी राइटिंग में लिखना है। थैंक यू बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगले हिंदी पीरियड में।